इम्प्लांट्स आज की डेट में जैसे भगवान हमें दो सेट्स ऑफ टीथ देते हैं, इम्प्लांट्स आपका तीसरा सेट ऑफ टीथ है जो आप अपने डेंटिस्ट से ले सकते हो और वो आपको परमानेंटली आपके मुंह में फिट होता है, कोई निकालने की इशू नहीं है और आप आराम से उससे खा सकते हैं, पी सकते हैं और पहले या दूसरे दिन से आपकी प्रॉपर स्माइल वापस आ जाती है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डेंटल स्टूडियो जो कि हर्ट ऑफ जलंधर स्थित है और डॉक्टर निखिल जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर काजल जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं। कभी इन्होंने प्रमोशन नहीं की है, माउथ वॉइस है, एक से आगे एक। जब किसी को किसी चीज़ का फ़ायदा उठता है तो वो आगे आगे बताता है। बैठे ये जलंधर में है लेकिन पेशेंट दूर दूर तक, हशियारपुर तक, कपूरथला तक, नकोदर तक, इवन लुधियाना तक के पेशेंट जो यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर साहब आपका और मैडम आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। हेलो जी। हेलो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का मॉडर्न जो डेंटिस्ट्री है, जो डेंटिस्ट्री से कॉस्मेटिक की तरफ ज़्यादा जा रही है और लोग सुंदर बनना, स्माइल डिजाइनिंग, और उसमें आप लोगों का नंबर है, क्या कहना चाहेंगे कि जो भी ब्राइड ब्राइडग्रूम्स आते हैं उनको ये होता है कि हम लोग एक बार इनसे विजिट कर लेंगे तो हमें ये सुंदर बनाकर ही यहाँ से निकाल लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत सही है, ये बिल्कुल सही बात है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी स्माइल की तरफ और आज की डेट में स्माइल होना और स्माइल को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मिल के साथ में हम आपकी स्माइल को हमेशा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल बना के रखें। मैडम, कोई समय था जब हम लोग दांतों में तारें लगाते थे और तारें जो है बढ़िया नहीं लगती थी, इम्प्रेशन सा लेस होता था, और एक ये समा जिसमें आपने नई नई टेक्निक्स जो लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? डेंटिस्ट्री एडवांस कर रही है, पहले तो हम तारों से ठीक करते थे, अब हमारे पास और प्रोसीजर्स आ गए हैं, अलाइनर्स आ गए हैं जो दिखते नहीं हैं, जिससे दांत ठीक हो जाते हैं। पेशेंट को भी आसानी है और पेशेंट चाहता है कि बाहर किसी को ना पता लगे कि मेरा इलाज हो रहा है, तो वो बिना दिखे काम करते हैं, तो पेशेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि और पेशेंट्स उससे जुड़ते हैं हमारे साथ। स्टरलाइजेशन जो कि कोरोना के पीरियड में, उसी दिन से स्टरलाइजेशन आपने एक अपना ताकत बनाकर रखा कि हमने स्टरलाइजेशन तो हमारी ज़रूरी जो है इस क्लिनिक का जो मोटो ही है कि हमने क्लीननेस देनी है और किसी को आगे बीमारी नहीं देनी, और यही कारण है कि इस क्लिनिक पे लोग आते हैं तो उनको ईज रहती है। बिल्कुल जी, स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हर चीज़ में। इवन हमने यहाँ पे हवा की क्वालिटी को प्योरीफाई करने के लिए एयर प्योरीफायर्स भी लगवाए हुए हैं, ताकि ये नहीं कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही साफ़ रहे, नहीं, हवा भी साफ़ रहनी चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई के लिए हम 3-स्टेप प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो करते हैं और हर चीज़ को प्रॉपरली डिस्कार्ड करते हैं। मैडम, कोई ज़माना था जब हम लोग जाड़े कच्ची भरवा ली, पक्की भरवा ली और सिटिंग्स बहुत ज़्यादा थी, आज लोगों के पास टाइम नहीं है और उन ना टाइम होने की वजह से आप डॉक्टर्स ने नई नई टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट कर ली हैं जिससे टाइम भी कम लगता है और टेक्निकें बहुत बढ़िया है। हाँ जी बिल्कुल, पहले हमें काफ़ी सिटिंग्स चाहिए होती थी, पर हम आरसीटी भी सिंगल सिटिंग कर रहे हैं और कैप्स के लिए भी वन टू टू विजिट्स में हम काम कर रहे हैं, तो मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हमें भी फ़ायदा हुआ है और पेशेंट्स को भी फ़ायदा हो रहा है, उनका टाइम सेव हो रहा है दोनों एंड्स पे। जैसा कोई ज़माना था कि हम लोग बंदे की एज जज करते थे कि इसके इतने दांत निकल गए हैं, इसके इतने निकल गए, इतना बूढ़ा लग रहा है, लेकिन आजकल आपने 90-90 साल के बूढ़ों को एक बढ़िया ज़िंदगी दे दी है। बिल्कुल जी, इम्प्लांट्स आज की डेट में जैसे भगवान हमें दो सेट्स ऑफ टीथ देते हैं, इम्प्लांट्स आपका तीसरा सेट ऑफ टीथ है जो आप अपने डेंटिस्ट से ले सकते हो और वो आपको परमानेंटली आपके मुंह में फिट होता है, कोई निकालने की इशू नहीं है और आप आराम से उससे खा सकते हैं, पी सकते हैं और पहले या दूसरे दिन से आपकी प्रॉपर स्माइल वापस आ जाती है, तो इसलिए वो बहुत ही एडवांस्ड
और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट। ये क्लिनिक जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए एक वरदान बना हुआ है, छोटे बच्चे जो थम्सअप करते हैं वहाँ से लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि आज छोटे छोटे बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप लोग काउंसल भी करते हैं, और जैसा आज का सिनेरियो है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि है भी एक एक दो दो, पहले वाले पाँच पाँच छः छः तो नहीं है, एक एक दो दो बच्चे हैं, उसमें फिर ब्यूटी का तो पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल के बच्चों के दांत काफ़ी छोटी एज पे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, ईटिंग हैबिट्स वैसी हैं, कैंडीज़ वगैरह बच्चे खाते हैं, तो उनको काउंसिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम बच्चों को पहले प्रॉपर ब्रशिंग सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि कम से कम दांत दिन में दो बार ही साफ़ करने चाहिए, और फिर अगर कैविटीज़ हैं तो वो हम फिल करके बच्चों को पूरा काउंसिल करके भेजते हैं, ताकि उनके परमानेंट डेंटिशन ख़राब ना हो। तरह की मॉडर्न टेक्निक्स आपने इस हॉस्पिटल में इंस्टॉल की हुई हैं, जो भी बढ़िया से बढ़िया लेटेस्ट चीज़ आती हैं आपने यहाँ इंस्टॉल की है कि आपके पेशेंट्स को किसी तरह की तकलीफ ना हो। बिल्कुल जी, आज की डेट में अप टू डेट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो ज़माने चले गए जब आपको नाप देने के लिए वो पूरी प्लेट मुंह में डालनी पड़ती थी, आजकल अब स्कैन आ गए हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं जो एक से तीन दिन में आपके सारे दांत फिक्स हो जाते हैं, और अब बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं, नई से नई हर तरह की एडवांसमेंट हमारे पास अवेलेबल है। आप आके कभी भी उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। जो लोगों के लिए वरदान बना हुआ है, क्योंकि आपका रेजिडेंस भी बीच में है, क्योंकि दांत का दर्द आता भी रात को ही है, और वो लोग जब दर्द से करा रहे होते हैं, आप लोग उनके लिए एक ज़िंदगी देते हैं, उनको एक खुशी देते हैं, स्माइल उनको देते हैं, क्योंकि दांत का दर्द ऐसा दर्द है जो बंदा सहार नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अपना जो क्लिनिक है, हालांकि डिफ़िकल्ट तो बहुत है, कहना तो आसान बात है, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पेशेंट्स ज़्यादा ही इस पर हो जाते हैं इंटेंगल, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो, किसी के एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की और प्रॉब्लम हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए तो नहीं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है दांतों की, तो आप लोग नाइट को भी हाजिर हैं। बिल्कुल जी, हमारा रेजिडेंस बिल्कुल पीछे है, तो हम 24 आवर्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ जब इमीडिएट और इमरजेंसी केसेस होते हैं, हमारा क्लिनिक हमेशा खुला है, कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो हम ओपन है टू ऑल दी पेशेंट्स, ताकि उन्हें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और हम उनकी हेल्प जितनी मैक्सिमम हो सके कर सके। वीरों की पहली पसंद है डेंटल स्टूडियो, क्या कहना चाहेंगे कि ये चेन बनी हुई है, एक पेशेंट आता है बाहर से ट्रीटमेंट लेकर जाता है, और ई जोन में, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आप पहले उसको ई जोन में लेकर जाते हैं, काउंसिल करते हैं उसको, फिर आप ट्रीटमेंट देते हैं, और आप उनको NRI नहीं समझते, आप ये समझते हैं कि ये हमारे अतिथि हैं, ये हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हैं, इनको हमने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करना है, और इनको रवायती रेट के ऊपर, ये नहीं कि NRI आ गए, उनको भी फिर रिलैक्सेशन, और यही कारण है कि चेन बहुत बड़ी बन रही। बिल्कुल जी, हम ऐसा कोई नहीं बिलीव करते कि NRI है तो वो अलग है, नहीं, वो हमारे सारे पेशेंट्स के बराबर है, और हम उसका अच्छा करेंगे तो वो हमारे बारे में एक अच्छा विचार लेके वापस जाएगा, तो इससे हमारे पूरी इवन हमारे देश की हमारे वहाँ बढ़त होएगी। तभी देखो आप कहते हैं सब कि एशिया का सबसे बेस्ट डेंटल हब सारों का इंडिया ही है, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई हर चीज़ को पैसों की बजाय हम हमेशा पेशेंट के क्वालिटी की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि वो NRI है या कोई भी है, कोई भी हो, हमने उसका ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी हमेशा टॉप रखते हैं। जैसा कोई ज़माना था जब हम लोग कहते थे कि मालवे की ये बेल्ट है, यहाँ तो हड्डी पीली है, यहाँ तो दांतों को क्रेड़ा रह गए नहीं, लेकिन आज आप लोगों के पास कैसे मर्जी दांत लेकर आ जाए, आप उसको सुंदर बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है, टेक्निक्स आ गई हैं, हमारे पास भी अब ऑप्शंस हैं कि हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ देखें और पेशेंट को भी दिखाएं कि सब कुछ पॉसिबल है, ब्रेसिस से लेके अलाइनर्स से लेके रूट कैनाल्स, इम्प्लांट्स, कोई भी पेशेंट हमारे पास आए तो हमारे पास ट्रीटमेंट होता ही है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि विजिट अस और हम आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप तक पहुंचाएंगे। आपका और मैडम आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक ब्रांड हैं, आपके पास लंबे डेटाज हैं, लेकिन आज हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहली बार हम अपने चैनल पर लेकर जा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर आते रहें, क्योंकि आप, जैसे आपने बताया कि हमारा वो भांजा नीरज जो हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा था, नोनी, उसके साथ आपने सुनाम कॉलेज में आप पढ़े हो,
और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें वही लगता होता है कि हमारा बच्चा हमें जैसे इतना मतलब हमारे साथ टैडी हुई थी, लेकिन बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप उसके दोस्त हैं, उससे पढ़ते रहें, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू जी, आप आए हमारी क्लिनिक में और हम चाहते हैं कि आपके थ्रू अब मैक्सिमम लोग हमारे साथ कनेक्ट करें। कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो वो हमारे साथ आके ट्रीटमेंट्स हम उनको देंगे, कोई भी ऐसे खाली हाथ ना जाए, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेके जाए। थैंक यू। दिस इज़ आर क्लिनिक, वी आर रिसाइडिंग इन 227A न्यू जवाहरनगर जलंधर। आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, ये हमारे क्लिनिक का रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ऑलवेज अवेलेबल है। आप अंदर आए, ये डेंटल चेयर है, ये लेटेस्ट हमने इंस्टॉल करवाई है, प्रॉपर टेक्निक्स हैं, स्क्रीन्स हैं जहाँ पे आपको दिखा सकते हैं आपको क्या ट्रबल है, और आपको भी एज अ पेशेंट एजुकेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बाकी स्टरलाइजेशन है, यूवी रेडिएशन चैम्बर है, अल्ट्रासोनिक स्केलर है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी स्टरलाइज होता है 3 times, उसके बाद हम यूज़ करते हैं पेशेंट पे। सो काइंड एक्सरे मशीन है, इससे रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ही लेस होता है, लेटेस्ट इंस्टॉल्ड। सो वी कैन, यू कैन कम टू आवर क्लिनिक एंड टेल अस योर प्रॉब्लम्स, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिगार्ड टू डेंटल हेल्थ। एक्सरे मशीन जिसका रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम है, डॉक्टर्स को भी पेशेंट्स को भी। सो यू कैन विजिट आवर क्लिनिक इन, वी आर रिजाइडिंग एट 227A न्यू जवाहरनगर जलंधर। सो यू कैन टेल योर डेंटल प्रॉब्लम एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू ओवरकम योर डेंटल फेयर्स एंड हेल्प यू इन सॉल्विंग योर डेंटल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।